तैयार शार हो गए हैं हम, और घर वाले भी बस जो है वो आ ही रहे हैं, और जेद साहब जो हैं वो रिक्शा लेने गए हैं। तो मैंने सोचा मैं हमज़ा को देखता हूँ, हमज़ा अगर घर है तो हमज़ा मुझे बाइक पे छोड़ आएगा। रेलवे स्टेशन जो है वो साहिवाल का हम आ चुके हैं, जाके तो अभी ट्रेन वगैरह का पता करते हैं क्या सिचुएशन है, कितने बजे ट्रेन आनी है कितने बजे नहीं। ट्रेन की टिकट ही माशाल्लाह 650-700 रुपये की उन्होंने कर दी, 700 रुपये की ट्रेन की टिकट। बाबा खड़े हैं। असन भाई क्या हाल है? महफिल मिला खत्म हो गई। असन भाई के दोस्त भी हमारे साथ शामिल है यहाँ पे, भाई जो है वो इस टाइम लंगर खा रहे हैं। यार ब्रो अच्छा कॉल पे भी बिजी हैं, इनसे बाद में बात करेंगे हम। हाँ जी जेब साहब, ये जी हमारे कज़न है लाहौर से, मैंने जो है वो अपना हमारे साथ ये शामिल हुए हैं। ये भाई नजर आ रहे हैं? हाँ ये भाई नजर आ रहे हैं। ते हुन किधर चले हो? चक्कर लगाने हैं। भाई किधर लेके जा रहे हो छोटे को? रात के 12 बज गए हैं यार ब्रो। अच्छा ध्यान से लेके जाना, रायमंड है इधर कुछ भी हो सकता है, ये इसका शहर है इसका दिस। ये फोन कर दिया नहीं जी, ये भाई तो लगता है बहुत ही मसरूफ है, खाने में भी और वैसे भी। माशाल्लाह बारिश हुई है यहाँ पे, बड़ा ही औसम लग्जरी मौसम हो गया है। नाजरीन चला उधर से आजो आजो। 3:30 बजे भाई हम बाहर क्या कर रहे हैं? स्नोकर खेल के वापस अब जा रहे हैं। सुंदर रोड पर अरेबियन पिज़्ज़ा रायमंड रहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ले जी ये जनाब भाई कुकिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, और हमने इनको जिंगर का जो है वो ऑर्डर दिया है, और ये इनके जो है बॉक्सेस हैं, और ये लग गया हमारा जिंगर। हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और ये भाई इनके साथ होते हैं। हमाद भाई कितनी देर हो गई है शॉप को? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए हैं? अच्छा सही हो गया माशाल्लाह, काम तो चलो आपका बड़ा अच्छा है। तो क्या क्या आपके पास आइटम्स होती हैं? पिज़्ज़ा वगैरह, जिंगर वगैरह। अच्छा फास्ट फूड मतलब के जिंगर पिज़्ज़ा, जिंगर शवारमा, चिकन शवारमा, बर्गर, ये सारी आइटम्स होती हैं, फ्राइज नगेट्स वगैरह भी। अच्छा अच्छा वेरी गुड, चले माशाल्लाह वेरी गुड। अभी आपकी जो है वो हम चेक करते हैं जो भी आपने बनाया हमारे लिए, ठीक हो गया। ये अभी थोड़ा बहुत तैयार हो गया, फाइनल टच देंगे भाई तो देन हम देखते हैं। सर मौजूद हैं, और ये जिनकी भाई की शॉप है ये उनके दोस्त हैं। ऐसे भाई कितनी देर होगी आपको खाते हुए इनसे? वेरी गुड। तो क्या आप रिकमेंड करते हो अपने दोस्तों को? अच्छा गुड टेस्ट, चलें अब मैं भी टेस्ट करता हूँ, बिकॉज मैं तो अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो खा के देखते हैं कैसा इनका जायका और कैसा इनका टेस्ट है। ठीक है थैंक यू। यार हो गया जनाब, और इसको हम खा के देन आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। ये हमारे पास जिंदर आ चुका है, और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, मज़ेदार है या नहीं है। मज़ेदार क्या नाम है? क्रिस्पी ब्रेड भी बिल्कुल सॉफ्ट, और उसका जो इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं फुल मज़ेदार। KFC वाला प्रोग्राम। और मैं और एसन भाई जो हैं वो हम इस टाइम ये खा रहे हैं। वाह जी और बाहर फुल बारिश, बाहर फुल बारिश, दिखाएं इनको दिखा। ठा हो गया, ओए होए होए हो। हैवी बारिश ही बारिश हुई जा रही है। ये हमारे मिला था तू मामा कल्ला के खादी जा हाफ केक हमने ख़त्म कर दी है, और बाकी का जो है वो हम खत्म कर रहे हैं। पाए ना बस करो, सवेरे उन्होंने भी आके कहा बसी टैमो है पफ नाल ही सीधा कर लिया। ये बस आखिरी The next day आज हम मौजूद हैं तन भाई की शॉप पे। वाह जी वाह, ओए 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 बाबा साईं,
ले जनाब, आपने कुछ भी लेना हो यहाँ पे हर चीज दस्तियाब है। साडा मुन्ना भाई बैठा है, कैसे हो ब्रो? ठीक हो? शक्ल से तो नहीं लग रहा। रात को बड़ा लेट सोए थे आप, सुने? अब आपने देख लिया सारा कुछ भी लोग में रात को हमने जो किया था ना। और यार तेरा मेली है? नहीं मेरी जान है। अच्छा जान है तुम्हें? वाकई यार मेरे लाल ही दस में करते बाल नहीं भाई चुगल। 2000 years later. डिलीशियस पिज़्ज़ा जहाँ पे हमने अपना लास्ट व्लॉग बनाया था और जिनके ओनर से हमने कल बात की थी हमाद, तो आज जो है आप क्यों से हो यार? तो बैठे हैं, कोई बैठे हैं, ये हमारे प्यारे भाई हैं अरशद भाई, एहसन भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनसे भी हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुआ है। इनके साथ मैंने सेल्फी भी एक दफ़ा ली थी और मैंने अपलोड भी की थी। बाकी इनका तो आपको पता ही सबको, एहसन भाई हैं मेरे प्यारे कज़न। और ये भाई आपका नाम क्या था भाई? सॉरी आई फॉरगेट, इनका नाम है जी अवैस भाई और ये इन दोनों के भाई हैं, दोस्त हैं। हाँ जी, और बाकी अभी इनके साथ आज मेरा फर्स्ट मीटअप है, तो इंशाल्लाह जब सी एच है, पता नहीं अब सी एच का मतलब क्या है, तो नेक्स्ट टाइम भी मुलाकात होगी भाई से, अच्छी मेमोरीज बनेगी। पता नहीं इनका कुछ कोड है सी एच, ये मुझे भी नहीं पता। ये तो रायमंड के जो रायमंड के दोस्त हैं इनके, वही इस लाइन को सी एच को जान सकते हैं। इन्होंने मुझे भी अभी तक नहीं बताया, तो अभी ऑर्डर आता है जनाब, फिर हम देखते हैं क्या हमने ऑर्डर किया। अभी बस ये चीज़ें रख दी हैं और भाई को हमने तीन दफ़ा कह दिया कि यार ब्रो प्लीज़ जो है जल्दी जल्दी ऑर्डर लगा दो, और ये भाई ने वखरे अपना शोर डाला हुआ है। हमारे पास जो है ये भाई पिज़्ज़ा लेके आए हैं, इनका सबसे स्पेशल पिज़्ज़ा भाई ने सर्व किया है। भाई भी बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं, तो जनाब फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा आ चुका है और इसको टेस्ट करके फिर बताते हैं। हमाद भाई टेस्ट करके बताते हैं। नहीं जी, अभी टेस्ट करके बताते हैं पिज़्ज़ा कैसा था। ओके, हम अब्बास पान शॉप पे खड़े हैं और फिलहाल तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। पांटा ने भी न्यू जो है वो निकाल दी है, रेड एप्पल फ्लेवर। तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं जी, अभी होटल सा मिला है हमें, तो फिलहाल यहाँ बैठ के ये पी रहे हैं, इसके बाद फिर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। टाइम चेक करें, कितने टाइम? 3:45, रात के 3:45 बज चुके हैं और हम जनाब ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे साथ एहसन भाई और एक दोस्त मिले। ले जी, सुबह के 5 बज चुके हैं और हम घर पहुंच गए हैं और मौसम देखें एकदम चमकसी हुआ हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल और अभी सोते हैं जनाब। चुके हैं और टाइम जो है वो आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें 4:10 हो गए हैं, ऐ देफा लगा हुआ है, यहाँ पे हम नाश्ता करने लगे हैं और अब हमारा नाश्ता हो रहा है। बच्चे स्कूल से भी आके ट्यूशन जाने वाले हो गए हैं और हमारा नाश्ता हो रहा है। खैर कुछ नहीं होता, रात लेट सोए थे हम। शानी ख़त्म हो गया है और जुहेब से मैंने कहा चलाओ चलें यार पानी वगैरह भर लें। हाँ जी जुहेब साहब चलें, वो अब हम भर लें। चलो बाइक निकालो, बाइक चल मैं निकालता हूँ। साहिवाल में एक न्यू शॉप ओपन हुई है, बटाटा फ्लेवर्ड फ्रेंच फ्राइज, और इन्होंने यहाँ पे जो शॉप ओपन किया है ये सिर्फ फ्राइज़ ही सर्व करते हैं। ये जी इनकी शॉप है और ये जनाब इधर सिटिंग है इनकी, ये देखें भाई भी हमारे बैठे हुए हैं पीछे। हाँ जी जेब साहब ट्राई करने हैं फ्राइज़। अच्छा ये जनाब इनका मेन्यू है और हमने ऑर्डर किया है, ये फ्राइज़ हैं जी, फ्लेवर्ड फ्राइज़ मीडियम 130, लार्ज 230, और हमने ऑर्डर किया ये क्योंकि थोड़े स्पाइसी हैं पेरी पेरी फ्राइज़, तो इसलिए फ़िलहाल ये ऑर्डर किए हैं लार्ज। फर्स्ट टाइम आया हूँ, टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसे हैं इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी कितनी देते हैं, ट्राई करके फिर आपको बताते हैं जनाब कैसे हैं।
फ्राइज़ जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं, अब टेस्ट करके बताते हैं कैसे। टाइम हम डाइवो टर्मिनल मौजूद हैं और वहाब भाई को लेने आए हैं। अभी मैं तो वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आए और से हम रिसीव करें और फिर हम घर की तरफ चलें। ये ऑर्डर किया है मैंने रॉयल किचन से, जो कि हमारे मेरे थोड़े से जानने वाले ही हैं। अब पहले तो इन्होंने मैंने ऑर्डर जो किया वो ऑर्डर मुझे सही मिला ही नहीं, ठीक है। दूसरा उन्होंने उनके राइटर के पास चेंज नहीं थी, मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए और मैंने कहा जाके कह देना कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं और जो नेक्स्ट ऑर्डर जो देने आएगा उसको मैं दे दूंगा, मतलब कम दूंगा पैसे। फिर जाहिर बात है बिल मेरा बन रहा था 1410 रुपये, ठीक है। 1500 मैंने कहा चलो मैं दे दूंगा, 90 रुपीज़ ऊपर दे दूंगा। अभी जो ऑर्डर के हिसाब से था वो ये फ्राइज थी, ठीक है, और डिप सॉस। और ये जनाब डिप सॉस का साइज़ चेक करें, यानी कि 2 इंच कह लो कि 2 इंच की जो डिब्बी है इन्होंने ये दी है साथ इस फ्राइज़ के। मैंने मंगवाई थी गार्लिक मायो फ्राइज़ लार्ज गार्लिक मायो फ्राइज़ के साथ ये डिब्बी है 2 इंच की बिल्कुल। उसके साथ साथ जनाब जो डील में था जिंगर का साइज़ दिखा देते हैं आपको, जिंगर का जो साइज़ है वो क्या है। ये अफरीदी के पास जाऊँ ना मैं, अफरीदी शोरने वाला जो है वो भी मेरा बड़ा अच्छा जानने वाला है, उससे जब मैं लूँ तो वो जो मुझे लगा के देता है। जैसा कितने का है? 350 का? नहीं 300 का है डफर। 300 रुपये का बर्गर है उसका, और उसका साइज़ इस बर्गर से डबल होता है। अच्छा जी, नहीं जी, ये जो जिंगर है सिर्फ इन्होंने लगाया है इसमें छोटा सा। बर्गर का साइज़ चेक करें, बिल्कुल छोटा सा, ये देखें बिल्कुल ये इतना सा बर्गर है। और ये जनाब आज इन्होंने मेरे साथ किया है। और फिर लोग कहते हैं कि हम रिव्यू अच्छा नहीं देते, कैसे अच्छा दें यार। अब बात आ गई बिल पर, टोटल बिल मेरा बन रहा था 1500 रुपया, 1000 रुपया मैंने पहले राइडर को दे दिया था। उसके बाद अब जो राइडर आए हैं जनाब वो मुझसे 750 रुपये मांगी जा रहे हैं, मतलब कि 1750 रुपये, और बन जो रहे थे वो 1410 रुपये रहे थे। ऊपर वाले पैसे मैं किस चीज़ के दूँ? अब पता नहीं इनकी मैनेजमेंट ख़राब है या क्या सीन है। बहरहाल ये गार्लिक मायो फ्राइज़ जो लार्ज आई हैं, ये फ्राइज़ हैं बिल्कुल थोड़ी सी, इतना बड़ा पैकेट है और अंदर फ्राइज़ देख लें, ये साथ लगी हुई हैं। और ये जनाब बर्गरी छोटी सी एक आई है मेरे पास। ये रिव्यू था जनाब आज का। The next day बाय करने आए हैं यहाँ से। हाँ जी, कैसा प्रेशर? ले जी प्रेशर चेक करें कितना है। आपा अपनी गड्डियाँ आपा ही धो लिया करांगे फिर है। ये मेरी बारी है चेक करने की, चेक करते हैं। जो है वो बाय कर लिया है। ये इसका स्विच है, ये इसकी गन है, ये गन के आगे जनाब ये लगता है कुछ, और ये इसका डिब्बा है, और ये अंकल जो है इसे पैक कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि ये किस यूज़ के लिए है, हमने इसको जो है वो सोलर प्लेटें जो है उसको वॉश करने के लिए यूज़ करना है। और
रेट वगैरह हम नहीं बताएंगे क्योंकि हर जगह पे रेट वगैरह अपने हिसाब से लोग डील करते हैं, तो लेकिन ये 20 प्लस की है इतना मैं बता सकता हूँ। भाई कर लिया है, बिल भी बन चुका है और अब जो है वो हम, ये सर आपका बिल 10-15 सर। थैंक यू सो मच। घर आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा दिन रहा, तो अभी जनाब बस सोते हैं, टाइम बहुत हो गया है, सुबह संडे है तो लेट ही उठेंगे, उठ के तो जनाब फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है। जुवेद साहब भी जो है वो बस अभी मोबाइल पे लगे हैं, तो अभी सोने की तैयारी है, तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।